हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है ना, वो अपना होने वाला है डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, उसको अपन एक और नाम दे सकते हैं यार, मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स। ठीक है, अपने को समझ आ गया है। हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको सारी बाय केमिस्ट्री ना पूरे बेसिक कंसेप्ट से रिवाइज करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ पूरी। ठीक है, आपको अपने नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, आप वहाँ से जाकर मेरे नोट्स ले सकते हो। तो चलो यार, अपन जो आज का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, उसमें यार क्या कर रहा हूँ, करने वाला हूँ ना, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। जो पहला पार्ट रहेगा ना, उसमें अपन पढ़ेंगे इसका जो मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, उसमें अपन इसका सिर्फ फेज वन पढ़ेंगे, और जो सेकेंड वाला पार्ट होगा ना, उसमें अपन पढ़ेंगे फेज सेकेंड, क्योंकि मैं आपको इसको डिटेलिंग में समझाने वाला हूँ यार। ठीक है, क्योंकि आपका एक बार पढ़ के ही काम चल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको डिटॉक्सिफिकेशन। पहले समझ, डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो यार डिटॉक्सिफिकेशन इज द सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, अकरिंग इन द बॉडी टू कन्वर्ट अ फॉरेन, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, या फिर टॉक्सिन कंपाउंड्स टू द नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक एंड मोर इजिली एक्सक्रिटेबल फॉर्म। क्या होता है यार अपना डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब आपके पास कोई एक फॉरेन है, कंपाउंड या टॉक्सिन है, ठीक है, उस टॉक्सिन्स को अपन कन्वर्ट करवा रहे हैं सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू, किसमें, नॉन टॉक्सिक में, या तो फिर क्या, लेस टॉक्सिक, या तो अपन उसको ये बोल सकते हैं कि लेस टॉक्सिक क्या होते हैं, अपनी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं, मतलब कि जो अपने पास टॉक्सिक कंपाउंड है उसको अपन एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन डिटॉक्सिफिकेशन। इतना अपने को समझ आ गया। और एक और वर्ड होता है यार, इंटॉक्सिफिकेशन। इंटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, कोई लेस हार्मफुल सब्सटेंस है, कंपाउंड है, उसको अपन ज़्यादा टॉक्सिक टॉक्सिसिटी की ओर ले जाते हैं, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से अपन उस कंपाउंड की टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोले अपन इंटॉक्सिफिकेशन, बट यहाँ पर अपन पढ़ेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि अपनी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको एक्सक्रीट करने के लिए चलता है मैकेनिज्म, जिसे अपन डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर यार एक चार्ट है, ठीक है, इससे मैं आपको समझाऊंगा इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यार, क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा X1, X2, X3, X4, ठीक है। तो यार X1 को देखिए आप, यहाँ पे X1 क्या कर रहा है, कंजुगेट करके क्या कर रहा है, एक्सक्रीटेड फॉलोइंग फेज सेकंड रिएक्शन। ठीक है, फॉलो मतलब कि जो फेज सेकंड रिएक्शन होता है ना यार अपना, ये इसको फॉलो करके X1 जो भी जीनोबायोटिक्स फर्स्ट है, ठीक है, फेज सेकंड को फॉलो करके वो एक्सक्रीट हो रही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप, जो जीनोबायोटिक्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा होता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तीन। तो अब क्या होगा यार, ये तो ऐसा हो सकता है कि कोई जीनोबायोटिक है जो सिंपल ऑक्सीडाइज होके भी एक्सक्रीट हो सकती है, रिड्यूस होके भी एक्सक्रीट हो सकती है, और हाइड्रोलाइज होके भी एक्सक्रीट हो सकती है। बट कभी कभी क्या होता है यार कि ये सफिशियंट नहीं होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, तब उस कंडीशन में ना उस जीनोबायोटिक्स कंपाउंड के लिए ना आगे बढ़ना पड़ता है और जाना पड़ता है फेज सेकंड में, जिसे बोलते हैं अपन कंजुगेशन। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस होगा उसका, फिर उसको कंजुगेट करेंगे तब जाके वो अपना एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी, एक तो डायरेक्ट फेज सेकंड से हो जाए डिटॉक्सीफाई होके, या तो फेज फर्स्ट से डायरेक्ट डिटॉक्सीफाई होकर निकल जाए, या तो फिर वो कंपाउंड दोनों फेजों से गुजर के बाद में एक्सक्रीट हो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, लेकिन यार आप एक चीज़ सोच लीजिए यहाँ पे, कि पहले यूज़ करते थे अपन क्या, डिटॉक्सिफिकेशन, बट लेकिन आजकल जो मॉडर्न आ गया ना है, तो उसमें इसका क्या नाम रख दिया गया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉरेन कंपाउंड। अगर आपको यूनिवर्सिटी में नोट्स लिखने आता है, ठीक है, नोट लिखने आता है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स भी आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन, या फिर आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे पूछ सकता है, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉरेन कंपाउंड, तीन आपसे इसको पूछ सकता है। और डिटॉक्सिफिकेशन तो अपन जानते ही, तो आप इस चीज़ को याद रखना, अगर इसमें से कोई भी कुछ आता है तो वहाँ आपने पूरा डिटॉक्सिफिकेशन लिख के आना है। अब अपन पढ़ने वाले हैं ना मैकेनिज्म ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का क्या क्या मैकेनिज्म होता है। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, इसको अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फेज में डिवाइड कर रखा है। तो पहला है वो अपना फेज फर्स्ट, और सेकेंड वो अपना फेज सेकेंड। ठीक है, फेज फर्स्ट क्या बोलता है, कोई भी फॉरेन कंपाउंड है उसमें या तो अपन ऑक्सीडाइज करवाओ, या रिड्यूस करवाओ, या उसको हाइड्रोलाइज करवाओ। ठीक है, और फिर बाकी बाद उसको क्या करना है, अपने को एक्सीड करवाना है। लेकिन अपना फेज सेकंड क्या बोलता है, अपने को उसमें कंजुगेशन करवाना है। ठीक है, कंजुगेशन क्या होता है, इन्वॉल्व्ड कंपाउंड्स आर, जैसे क्या हो सकता है, ग्लूक्रोनिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटाथियोन, सल्फेट, एसीटेट एंड मिथाइल ग्रुप, इनको एक कंजुगेट करवा देता है उस जीनोबायोटिक में, और उसके बाद क्या होता है, उसको एक्सक्रीट करवा
देता है, ठीक है। तो अपने जो अपना कंजुगेशन फेस से अगर उसको अपन पढ़ेंगे किससे, 4G स्कैम के नाम से, ठीक है। ठीक है, 4G स्कैम के नाम से अपन इसको पढ़ेंगे, आगे बताऊंगा इसके बारे में और आपको। लेकिन अभी जो फोकस करना है वो अपन को करना है फेस फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो फेस फर्स्ट पे फोकस करते हैं आप, ठीक है। तो उसमें अपन ने तीन चीज़ें देखी हैं, क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेकेंड क्या होता था अपना यहाँ पे, रिडक्शन। और थर्ड क्या होता था अपना, हाइड्रेशन, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं यार, हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन सब्सटेंस आर डिटॉक्सिफाइड बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से बहुत सारे अपने फॉरेन कंपाउंड क्या हो सकते हैं, डिटॉक्सिफाई हो सकते हैं, ठीक है। एलिफैटिक कंपाउंड इजली ऑक्सीडाइज देन एरोमेटिक। अपने को पता है जो एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है, देन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एंजाइम साइटोक्रोम P450, और इसको एक और नाम देते हैं यार, वो नाम होता है अपना क्या, मोनो ऑक्सीजनेस, ठीक है। कैटलाइज दिस एंजाइम नॉन एज मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेस बोलते हैं अपन इसको, जो कि अपना माइक्रोजोम के साथ, मतलब माइक्रोजोम में होता है, ऐसा समझ सकते हो। तो इसका क्या काम रहता है, ये अपना ऑक्सीडाइज करवाता है, ठीक है। किसको करवा सकता है, मैंने RH लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, एलिपैटिक भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, एरोमेटिक भी। एलिपैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज करवाता है, ठीक है। तो यही इसका काम है। बट इसके अपन देखते हैं कुछ फीचर्स, ठीक है। तो यार कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने जो देखे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ना, कि कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है यार साइटोक्रोम P450 के ऊपर। तो आपको वहाँ पर यही चीज़ें लिख के आनी, इसलिए आप इसमें थोड़ा फोकस करना, ठीक है। तो यूट्यूब पर मैंने बता दिया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की, ठीक है। तो यार मल्टीपल फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम P450 आर एग्जिस्टिंग। इसके बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसकी रेंज होती है 20 to 200, ठीक है, मतलब कि 20 से 200 के बीच में इसकी रेंज होती है। और इसके बाद इसकी कम से कम 6 स्पीसीज रहना है, वो अभी स्टडी हुई जा रही है, मतलब कर रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है अपना यहाँ पे, हीमोप्रोटीन्स कंटेन हीम एज अ प्रोटेक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो अपना साइटोक्रोम P450 होता है, ये अपना क्या होता है, हीमोप्रोटीन होता है यार अपना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हीम ग्रुप एज अ प्रोथेटिक ग्रुप होता है, ये अपने को बात समझ आती है। थर्ड पॉइंट क्या है, P450 हाईजेस्ट कंसनट्रेशन फाउंड इन द लीवर माइक्रोजोम। इसका जो मेन कंसनट्रेशन पाया जाता है हाईली, वो पाया जाता है अपने लीवर की माइक्रोजोम में, ठीक है। इतना अपने को समझ में आ गया। P450 इज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म डिपेंड ऑफ NADPH। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो अपना NADPH पर डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं आपको NADPH की सिग्निफिकेंस बता रहा था, क्योंकि NADPH की सिग्निफिकेंस पे भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें एक ए भी था कि वो डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है, ठीक है, NADPH। क्यों, क्योंकि वो यार अपना जो अपना साइटोक्रोम P450 रहता है, ठीक है, उसका जो मैकेनिज्म होता है वो इसी पर डिपेंड करता है। और देखते हैं कुछ अपन आगे, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोटाइडिल कोलिन, ठीक है, इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम P450, ठीक है, फॉर एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी के लिए जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो फॉस्फोटाइडल कोलिन्स होते हैं, इसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। और देखते हैं साइटोक्रोम P450 इज इंड्यूजेबल एंजाइम होता है, इंड्यूस हो सकता है, ठीक है। कैसे इंड्यूस होता है, कुछ ड्रग्स होते हैं जो अपन अगर बॉडी में देते हैं तो इसकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। ड्रग का नाम है फिनोबारबिटल, ठीक है, इस ड्रग को आप याद कर लेना अच्छे से। अब मैं बताऊंगा आपको नॉर्मली क्या ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स जरूरी होते हैं यार, आपके एग्जांपल्स याद करने हैं, ठीक है, एग्जाम में भी लिख के आओगे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, अपन देख रहे हैं एल्कोहल्स का, ठीक है, एल्कोहल आपके पास एलिपैटिक या एरोमेटिक एल्कोहल्स हैं, जिनका ऑक्सीडेशन होगा तो इससे वो करस्पॉन्डिंग एसिड में होगा, ठीक है। ऐसे मान चलो आपके पास कोई एल्कोहल है, एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है ना, ठीक है, तो पहुँच जाता है अपना क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में। तो अब यहाँ पे देखो पहला क्या है, मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, CH3OH कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड। इतना अपने को समझ में आ गया, ठीक है। इथेनॉल होगा, ठीक है, एल्कोहल, मतलब CH3CH2OH, ये कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा अपना, CH3COOH, ठीक है, ये क्या हो गया अपना, एस्टिक एसिड हो गया। बेंजल एल्कोहल कन्वर्ट होकर बनाएगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे, ठीक है, ये क्या हो गई अपनी, बेंजीन हो गई, ठीक है, दिख रही है बेंजीन आपको, मैंने बहुत अच्छी बना दी यहाँ पे आपके लिए बेंजीन। तब बेंजीन का अपन ऑक्सीडेशन करवा देंगे यार, तो किस में कन्वर्ट होगी, बेंजोइक एसिड में।
तो बेंजो कैसेट में क्या होता है, ऊपर COOH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो गया अपने किसका, बेंजाइल एल्कोहल का बेंजोइक एसिड में। ठीक है, अपने समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन एल्डिहाइड्स का, अगर आपके यहाँ पे जो कोई सा भी जीनोबाइट है वो अगर एल्डिहाइड के फॉर्म में है तो उसको कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल अपना एल्डिहाइड वो अपना करस्पॉन्डिंग एसिड्स में कन्वर्ट होगा, ये अपने को पता है। तो उसमें क्या होता है, जो बेंजाइल्डिहाइड होता है वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो अपना था ये तो था अपना बेंजोइक एसिड, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ यार कि यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ बेंजीन, उसके ऊपर मैंने लगा दिया CHO ग्रुप, ठीक है, तो ये तो मेरा होगा बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाए और ये कन्वर्ट हो जाए इस वाले में, तो ये क्या होगा, बेंजोइक एसिड। अपने को रटना नहीं यहाँ पर, अपने को समझना है, क्योंकि आपका एक बार में ही काम चल पड़े, आपको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक, और जो बी आर वो क्या अपना क्लोरल से अपना किस में जा रहा है, ट्राई क्लोरल एसिटिक एसिड। अब आप एक चीज़ समझिए, क्लोरल AL आ रहा है, AL मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें एक कार्बन होता है, इसके अराउंड 3 Cl लगी होती है। ठीक है, अब क्या हो गया, कार्बन की एक बॉन्ड बाकी है, इसके साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। अब क्या करना है, यही अपना किस में चेंज हो जाएगा, अपना एसिटिक एसिड में। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे यार, यहाँ पे जाए तो अपना यही Cl3C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ COOH। ठीक है, तो ये अपना कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया अपना किसका, क्लोरल ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अमीन्स की यार। ठीक है, अमीन्स में क्या होता है यार, एलिफेटिक जो अमीन्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं अपना यूरिया एंड करस्पॉन्डिंग एसिड। इसको मैं आपको समझा देता हूँ यार अच्छे से। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे देखिए, अपन पेन भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आप। ठीक है, पहले आपको अमीन का बताता हूँ मैं, एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन में क्या हो सकता है यार, कोई भी अपना ग्रुप है, ठीक है, R CH2। ठीक है, इसके साथ अपना क्या लग सकता है, NH2, अपना अमीन ग्रुप आ गया। ठीक है, ये हो गया, इसको अपने को क्या करवाना है, ऑक्सीडाइज करवाना है। तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, एलिफेटिक एसिड, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, R COOH, दिस इज एलिफेटिक एसिड। ठीक है, और इसके साथ किस में कन्वर्ट होगा, ये यूरिया में। ठीक है, यूरिया में क्या बन जाएगा, ये NH2। ठीक है, CONH2, ये अपना क्या हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, तो ये होता है रिएक्शन यहाँ पे मेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एलिपेटिक अमीन्स रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे एलिपेटिक एसिड्स में एंड यूरिया में। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और आगे देखते हैं यार, और क्या होता है, ऐसे मान के चलो आप एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक में क्या, एलिनिन अपन ने पढ़ा है यार। ठीक है, बेंजीन होगा, उसके ऊपर एक ग्रुप लगा रहता है NH2। ठीक है, एनिलीन हो गया। अब एनिलीन कन्वर्ट किस में होता है अपना, वो होता है अपना पैरा अमीनो फिनॉल में। मतलब क्या होता है, जब इसका ऑक्सीडाइज करवाते हैं अपन, तो ये अपन ये अपनी बेंजीन, तो यहाँ पे क्या आता है अपना OH। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा NH2। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है नॉर्मल से, तो और किस पोजिशन में, तो अपन जो नेमिंग स्टार्ट करते हैं पैरा, यहाँ से करेंगे अपन कहाँ से, एल्कोहल वाले से। तो एल्कोहल वाला क्या हो जाएगा अपना, या तो आप ऐसे समझिए, जो अपनी एडसेंट पोजिशन रहती है मेन, अपना जो ग्रुप रहता है उसके, तो ये क्या हो जाएगी अपनी ऑर्थो, दे क्या होती है अपनी मेटा, और ए पोजिशन क्या होती है अपनी पैरा। ठीक है, पैरों में बेंजीन की, तो यहाँ पे क्या बनता है, पैरा पे क्या लगा है, अमीन। ठीक है, तो पैरा अमीनो फिनॉल। ठीक है, पैरा पे अमीनो लगा है, और ये पूरा पूरा ग्रुप को अपन क्या, फिनॉल बोल सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पे रिएक्शन। और बताता हूँ आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में यार सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, बेंजीन। बेंजीन क्या है, एक अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो अब बेंजीन कन्वर्ट किस में हो सकती है, जब बेंजीन का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कन्वर्ट होकर जाती है अपनी फिनॉल में। ठीक है, फिनॉल मतलब क्या, ऊपर सिर्फ OH ग्रुप आके लग गया एल्कोहल वाला। ठीक है, फिनॉल में चली जाएगी। और किस में हो सकती है, कभी कभी मान चलो ज़्यादा ऑक्सीडाइज करवा दिया आपने, तो यहाँ पे एक और कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक तो अपना ऊपर OH रहेगा जो सिंपल फिनॉल रहता है, और एक और OH नीचे आके लग गया पैरा पोजिशन पे, इसको अपन बोलते हैं क्विनिनॉल। ठीक है, क्विनॉल, क्विनॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, QUINOL, क्विनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, क्विनॉल तब बोलना है तब यहाँ पे जो OH आ रहा है वो अपनी पैरा पोजिशन पे लग रहा है। ठीक है, अगर यही OH ना अपना किस पोजिशन पे चला जाए,
यही अगर मैं ओएच की बात कर रहा हूँ, अगर यही मेरी ऑर्थो पोजिशन पे आ जाता है ओएच ग्रुप, तभी इसको क्या बोलते हैं अपन, कैटेकॉल बोलने लगते हैं। ठीक है, याद रखना, ठीक है, कैटेकॉल, ठीक है, ये हो गया। अपन ने अब दो पोजिशन देखी। अब अगर एक पोजिशन और बता दूँ यार आपको, कि अगर यहाँ पे अपना, ये तो अपनी बेंजीन हो गई, ठीक है, अगर ऑर्थो पे भी ओएच लग रहा था और पैरा पे भी ओएच आ गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्विनोल। ठीक है, हाइड्रोक्विनोल, ठीक है, इसको अपन हाइड्रोक्विनोल बोलेंगे। तो यार ये सारे के सारे हो गए अपने एरोमेटिक। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, ठीक है, अब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स का भी क्या होता है यार, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स का भी ऑक्सीडेशन होता है, इसको अपन इरेज कर लेते हैं, ये सारा का सारा आपको मैंने बता दिया। ठीक है, जब सल्फर कंटेनिंग का यार अपना ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये अपनी चीज़ अपने को पता है यार। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे अपना कोई सा भी ऑर्गेनिक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, तो अपन उसका करवाएंगे तो क्या होएगा, सल्फर जाएगा ठीक है, फर कंटेनिंग कंपाउंड से किस में चला जाएगा, वो अपना सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने यार आपको यहाँ लिख के इसलिए बताया, क्योंकि यार ये मेरे नोट्स में नहीं है, मैं आपको इनको अच्छे से समझाना चाहता था, इसलिए मैंने इनको अलग से आपको समझाया। चलो अब आगे चलते हैं यार अपन यहाँ पे। ठीक है, अमीन डेरिवेट्स अपन ने देख ली, सब हो गया, अब चलते अपन रिडक्शन पे। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है यार, रिडक्शन में पिक्रिक एसिड होता है। ठीक है, पिक्रिक एसिड कन्वर्ट किस में होता है, पिक्रामिक एसिड में। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए यार। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड का अपना क्या रहता है, फॉर्मूला आता है किसी को, आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिक्रिक एसिड में क्या होता है, ये आपकी बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन पे क्या होता है, एक तो अपना OH ग्रुप रहता है, ठीक है, OH लग गया, और इसके साथ क्या होता है, इस पे अपना NO2 के ग्रुप लगे होते हैं, NO2 तीन ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये अपना होगा पिक्रिक एसिड। अब क्या होता है, ये पिक्रिक एसिड कन्वर्ट होता है पिक्रामिक एसिड में। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे जो एक O2 लग रही थी ना एक्स्ट्रा, अगर इसको मैं H2 में कन्वर्ट कर दूँ, मतलब अपना बन जाए NH2, तो ये क्या बन जाएगा अपना, पिक्रामिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड से बन रहा है पिक्रामिक एसिड, यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन आके लग रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, क्लोरल है, क्लोरल जा रहा है ट्राई क्लोरल, ठीक है, इथेनॉल में। तो यार ट्राई क्लोरल इथेनॉल कैसे बन रहा है, देखो मैंने आपको क्लोरल का डायग्राम पहले ही बताया था, क्या होता था, Cl3 कार्बन, ठीक है, ये अपना कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा अपना CH, LDH रिड्यूस का किस में चला जाएगा, सी, ठीक है, इथेनॉल बना लेगा यहाँ। ठीक है, कैसे, यहाँ पे जो सी तो सी था, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा OH। ठीक है, और यहाँ पे तो सी था, उसके साथ लगा था Cl3, तो क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, कार्बन, तो इसके वजह से क्या हो गया, ट्राइक्लोरल, ठीक है, इथेनॉल, तो ये अपना आ गया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन तो आप जानते ही होगे यार, पढ़ के आ रहे हो 12th क्लास से नीट के लिए, अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो वही होती है अपनी क्या, नाइट्रोबेंजीन। उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, अमीनोबेंजीन में। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये हो गई अपनी, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप लगाया अपना NO2, नाइट्रोबेंजीन, इसको कन्वर्ट कर दिया अपन ने किस में, NH2 में। ठीक है, NH2 में, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, अमीनोबेंजीन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन यार और। ठीक है, आपने करवाना है हाइड्रोलाइसिस, थर्ड स्टेप आ गई अपनी फेज वेस्ट की। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाना, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको अपन तोड़वा देते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइज करवाते हैं, उसमें अपना पहला क्या आता है, एस्पिरिन। ठीक है, तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके थ्रू मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, तो यार आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट पकड़ के चलने हैं। ठीक है, आप भूलोगे नहीं इन चीज़ों से जल्दी। तो देखो यहाँ पे यार, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये होती है अपनी बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर लगा होता है अपना COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक होती है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आता है अपना एक कार्बन, जिसपे अपना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे लगा होता है अपना CH3। ये अपना जो स्ट्रक्चर है, ये अपना स्ट्रक्चर एस्पिरिन का। ठीक है, SPIRIN, ठीक है, एस्पिरिन। एस्पिरिन में क्या होता है, जिसका हाइड्रोलिसिस करवाना है यार अपने को, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर पानी आएगा अपना, ठीक है, वाटर आता है। ठीक है, तो वाटर क्या करवाएगा, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़वाता है। ठीक है, क्या करेगा,
एक एच प्लस और एक एच ओ माइनस होगा। तो एच प्लस तो इस बॉन्ड पे आके लगना है और ओ एस वाला यहाँ पे आके लगेगा। तो इसके बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके बाद बन जाएगा अपना यहाँ पे, ये तो बेंजीन थी, यहाँ पे सी ओ एच ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके साइड का जाएगा ओ एच और इस साइड का बन जाएगा अपना कोई सा भी एसिटिक एसिड, मतलब कि सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। और जो अपना यहाँ न्यू कंपाउंड बन रहा है ना, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यार आपको इसको भूलना नहीं, क्योंकि यार एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ तो आपसे फेज फर्स्ट पूछता है या फेज टू पूछता है या दोनों भी पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखते इसमें क्या होता है अपना, ठीक है, एसिटेनलाइट, इसको कन्वर्ट करना है अपन एनिलीन और एसिटिक एसिड में होता है। और जो लास्ट बचा है वो अपना होता है क्या, एट्रोपिन। एट्रोपिन किस में होता है, ट्रॉपिक एसिड एंड ट्रोपिन। इसको आप याद कर लेना, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, आपको बता के भी बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए आप इसको नॉर्मल याद कर लीजिए। जो एट्रोपिन होता है कन्वर्ट होगा ट्रॉपिक एसिड प्लस ट्रोपिन में, ठीक है। जो जनरल थे मैंने वो आपको बता दिए, जो मेरे नोट चाहिए वो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा फेज टू, जो यहाँ लिख रखा है। तो चलो यार मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।